अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी इस वक्त रह रहे हैं खैर व खैरियत से हों। अपना और अपने जो अजीज़ हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसी का नाम है ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात, तहसील खारियाँ और गाँव बासरियाँ से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त सऊदी अरब रियाद में बैठा हूँ और आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। जनाब खान साहब हैं, उनका थोड़ा सा मसला, आप उनकी बात सुने क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है भाई साहब? मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, ये नंबर भी उसे ले लिया। ये कुछ मशवरा आपसे लेना था। ये मुझे कफील ने भेजा, ये तस्रिया वो बोलते कि 27 तारीख से पहले पहले आपको आना चाहिए ना, तो इस पे थोड़ा समझा दे कि इस पे एक्सपायरी डेट तो एक में लिखा है 10/1/2021, तो देखो कुछ इस पे मशवरा दे दे कि ये क्या है, सही है कि नहीं। दूसरी बात ये भाई कि आपका ट्रेवल एजेंसी है या क्या सिस्टम है? मुझे टिकट भी चाहिए, तो आपसे मैंने मालूमात करना था। पिशावर से जद्दा, इस्लामाबाद से जद्दा हो 24-25 तारीख को, तो इसका रेट क्या आएगा, या ऐसे तरीके बताओ कि थोड़ा मुश्किल में हो, को थोड़ा सस्ता भी मिल जाए ना। अभी तो इधर से मुझे रेट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं ना। आपको भाई यूट्यूब में सुना तो बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, बस कुछ हेल्प कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कुछ मशवरा दे सकते हो अच्छा सा कि बस अभी जाने का तैयारी है, लेकिन हालात को आपको पता है कि 9 महीने इधर पाकिस्तान में गुजारे, तो ये ऐसा तरीका हो कि पैकेज सस्ता से सस्ता, टिकट सस्ते से सस्ता मिल जाए। जी हाँ सर, अगर आप पाकिस्तान से टिकट लेंगे तो महंगी ही मिलेगी, यकीनी बात है। एजेंट जो है वो बहुत इसमें कुछ नहीं करते हैं सर। तो आप ऐसा करें, अगर मेरा मशवरा ये है कि आपका कोई अगर कोई दोस्त इधर सऊदी अरब रियाज में है, या आपका जो कफील है, आप उसको ये कहें कि देखें आप ऐसा करो, टिकट विकट ले लो और पैकेज मुझे ले दो, तो उसके बाद फिर मैं उधर आके आपको पैसे दे दूंगा, तो यहाँ से सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, वैक्सीन आपने शायद नहीं लगवाई मेरे ख्याल में यहाँ से, क्योंकि अगर एक वैक्सीन यहाँ से लगवाई तो फिर उसमें पैसे थोड़े और कम हो जाते हैं। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि अगर कोई सऊदी अरब में आपका रहने वाला है, दोस्त है, कोई अजीज़ है, तो आप उसको कहें यार यहाँ से पैकेज और टिकट दोनों ले, तो वो काफ़ी सस्ते मिलेंगे, यकीनी बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान से लेंगे तो यकीनी बात है वहाँ से थोड़ा महंगे, ख़ासकर क्योंकि अभी मैं कल मुझे एक आदमी ने मैसेज किया था कि PIA का खाली टिकट 1,95,000 का उसने लिया है। तो हैरानगी होती है यार इस बात पे कि वो रूट जहाँ के सिंगल टिकट जो है PIA पहले 40-45 हज़ार में दे रहा था, अब वो 1,95,000 ले रहा है हम लोगों से। तो हमारी जो मुश्किलें हैं उनसे PIA भी फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, कोई भी माफ़ नहीं कर रहा बिल्कुल। तो कोशिश करें यहाँ पे अगर कोई दोस्त है। और एक और बात है खान साहब, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है या मेरी जो सोच है, अगर आपको डायरेक्ट टिकट नहीं मिलती तो आप वाया होके आ जाएँ कहीं से, गल्फ एयर की टिकट ले लें, एमरेट्स की टिकट ले लें, अमारात की, ठीक है, मसलन पेशावर से दुबई और दुबई से जद्दा, रियाद, जिधर भी आपने आना है। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर याद रखें कि उसमें जो आपकी स्टे है, जो आपके वहाँ पे रुकना है, ट्रांजिट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मेरे ख्याल में शायद 7-8 घंटे है, उससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए वहाँ पर, रुकेंगे तो फिर मुश्किल है, आगे वो नहीं भेजेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम ट्रांजिट वाली मिलती है टिकटें, ऐसी हैं 2-3 घंटे, 4-5 घंटे जिसमें स्टे हो, आप उसमें बैठ जाएं, एमरेट्स में हो जाए, गल्फ एयर में हो जाए, किसी भी एयरलाइन में, जो मसलन कतर एयरवेज है, किसी में भी बैठ के आप आ जाएं। तो मेरे ख्याल में बनिस्बत दूसरी एयरलाइनों के, ये एयरलाइन जो है, एक तो आपको पैकेज सस्ता देंगी, ठीक है, फिर दूसरा ये कि ये जो एयरलाइन है ये टिकट सस्ता देंगी आपको, ठीक है जी। इंशाल्लाह जनाब, मेरी तो कोशिश है कि आप कम से कम पैसे जो खर्च करके वापस आएँ। मैं खुद समझता हूँ इस बात को कि इस वक्त हर आदमी, हम सब मुश्किल में है ना। मैं खुद पाकिस्तान से आया हूँ, मैं मुझे पता है जब एक आदमी पानी के अंदर से गुजर के आता है ना, तो उसको उसकी गहराई का पता होता है कि पानी कितना गहरा है और उसमें क्या क्या मुश्किलें हैं, ठीक है। तो मैं उसी रास्ते से आया हूँ, मुझे पता है, मैं पाकिस्तान में 9 महीने गुजार के आया हूँ और मुझे बखूबी पता है इस बात का कि उसमें कौन कौन सी मुश्किलें पेश आती हैं और क्या क्या मसाले मसले हैं मसाइल हैं हमारे। तो
इंशाल्लाह पहले कोशिश करें, अगर कोई दोस्त है यहाँ पे तो वो कर दे, नहीं तो किसी भी जो वाई वाली टिकट है वो ले लें, थोड़ी सस्ती मिलेगी, ठीक है, थोड़ा कम स्टे हो, स्टे कम होना चाहिए ये याद रखें, और वहाँ पे रुकना कम हो तो फिर इंशाल्लाह वो थोड़ा मुनासिब रेट पे मिलेगी। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफा की, तो एक नई वीडियो के साथ जनाब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।